हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है 6:15 हो रहा है, पर आपने टाइम देख चुके हैं कि 6:15 हो रहा है। तो मैं पहले यहाँ पे गर्म पानी ले रही हूँ, जो मेरा डेली का रूटीन है। और फिलहाल अभी किटू भी सोया हुआ है, तो मैं अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। 6:45 या 7 बजे तक इसको उठा दूंगी। तो अभी चलिए, मैं किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ किचन से, जो डेली का रूटीन होती है, सुबह उठना, ब्रेकफास्ट बनाना। तो फ्रेंड्स, अगर जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल का नाम है किटू नटकट ब्लॉग, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि आपके तक अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और यहाँ पे मैं आटा पहले गूंद लेती हूँ, क्योंकि आटा गूंद के रख देती हूँ तो इसका रोटी बहुत सॉफ्ट या फुली फुली रोटी बनती है। तो पहले मैं यहाँ पे गूंद के आटा रख लेती हूँ। और मेरा उधर सब्जी भी बन रहा है नेनुआ का, तो नेनुआ का सब्जी हम लोग खाएंगे, बट किटू के लिए तो मैं उसके लिए आलू या भुजिया सूखा सब्जी बनाने वाली हूँ। तो सब्जी भी मेरा उधर बन रहा है, 2 आलू का बस थोड़ा सा ही बनाना है उसके लिए। तो मेरा उधर सब्जी भी बन रहा है, हीटर पर मैंने सब्जी भी बना रही थी। और यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ। अभी फिलहाल किट्टू के लिए ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, हस्बैंड जाते हैं 9:15 तक, वो भी निकल जाते हैं, तो मैं उसी के आसपास बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही साथ में सारा रोटियाँ बना के रख देती हूँ, कभी ऐसा नहीं करती हूँ। जब मम्मी नहाती हैं, तो मम्मी जब नहाने जाती हैं, नहा के निकलने के बाद उनका भी फटाफट रोटी बना देती हूँ। तो मम्मी तो लेट से नहाती हैं, उनका 10:30 ऐसे टाइम हो जाता है। तो मेरा किटू के लिए रोटी था तो मैंने बना दिया, बटर भी घस दिया। और गाइस, अभी पूड़ी वगैरह पराठा नहीं बन सकता है, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो रक्षाबंधन का बाद पूड़ी वगैरह बनेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे किटू का रेडी कर रही हूँ, मैंने इसको खिला पिला दिया, बस थोड़ा सा खाया फ्रेंड्स, क्योंकि आज बोल रहा है मम्मा आप गंदा खाना बनाए, मुझे रोटी सब्जी नहीं खाना है, मुझे पनीर खाना है। तो फ्रेंड्स, इसको पनीर बहुत पसंद है, तो यहाँ पर मैंने इसका लंच बॉक्स पैक करने लगी हूँ। और फ्रेंड्स, इसका लंच बॉक्स पहले है मैं रेडी कर देती हूँ, और मैं पेपर में इसका रोटी लपेट के देती हूँ, इसलिए कि ताकि रोटी सूखे नहीं। और देखिए, मुझे आके मुझे बोल रहा है, मैं सूट नहीं कर पाई, तो ये मुझे आके बोल रहा है कि आप मुझे क्या दे रही हो। तो मैंने बोला कि मैं रोटी सब्जी को गंदा खाना मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखे जाऊंगा स्कूल। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी मैं डाल देती हूँ कुछ, तो कभी कभी खाता है, कभी कभी रिटर्न आता है। तो आज तो लंच बॉक्स में थोड़ा सा सब्जी भी था, काजू जो मैं दी थी वो भी पूरा रिटर्न था, हाफ रोटी भी रिटर्न था। और यहाँ पे वाटर बॉटल भी रेडी है और लंच बॉक्स भी रेडी है किट्टू का। तो अभी मैं यहाँ पे स्विच पहनाने लगी हूँ, उसका बैग वगैरह मैं स्कूल जाने के पहले एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसका बैग में सारा कुछ है, पेंसिल वगैरह, रेजर, शार्पनर, तो मैं सारा चीज़ चेक कर लेती हूँ पहले, क्योंकि शाम में ट्यूशन जाता है तो स्कूल का जो बुक्स वगैरह होता है वो मैं निकाल देती हूँ, फिर ट्यूशन का उसमें कॉपी वगैरह डाल देती हूँ, फिर ट्यूशन से आता है तो मैं उस टाइम निकाल कर चेक कर लेती हूँ। एक बार मॉर्निंग टाइम स्कूल जाते टाइम भी मैं इसका बैग चेक करती हूँ। तो यहाँ फिलहाल देखिए, मैं शूज वगैरह पहना दिया, रेडी हो चुका है मेरा बच्चा और मुझे प्रणाम कर रहा है। तो इसको नीचे इसके पापा छोड़ने गए, मैं नहीं गई। तो मैं देखिए, यहाँ पे मैं नेनुआ का सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मैं उसके पहले आलू का सब्जी बना रही थी। तो और नेनुआ का सब्जी मेरा रेडी हो चुका है, और मैं यहाँ पे दूध जो रखा हुआ था तो मैं यहाँ पे दूध गर्म कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है, तो मैं साथ साथ में क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, चूल्हा वगैरह को क्लीन कर देती हूँ। तो साथ साथ में क्लीनिंग भी हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी काम हो जाती है। तो यहाँ पे जो सिलाई वगैरह मैं हमेशा पोछते रहती हूँ, क्योंकि गंदा होते रहता है, तो मैं हल्का पोछ देती हूँ, तो साथ साथ में क्लीनिंग हो जाता है। और यहाँ मैं बाहर रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ पे बेड वगैरह, सोफा वगैरह मैं ठीक कर दिया, क्योंकि सुबह का टाइमिंग है तो थोड़ा बहुत बिखर जाता है। तो जैसे कि मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है तो मैं बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ, और सोने के पहले भी मैं सोफा वगैरह रहता तो मैं ठीक कर देती हूँ, तो ज़्यादा मेरा बेड वगैरह बिखरा हुआ नहीं था। और यहाँ पे दुपट्टा वगैरह भी था तो मैंने फोल्ड करके रख दिया, दोनों रूम का मैं बेडशीट वगैरह सही कर दिया। तो और यहाँ पे कुछ कपड़े और बेडशीट वगैरह था तो मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ, ये वॉशिंग मशीन में भी कपड़ा धुला जाएगा। तो अभी तो फिलहाल मैं मशीन नहीं चलाऊंगी, नहा लूंगी उसके बाद मैं चलाऊंगी, क्योंकि जब मशीन लग जाएगा तो फिर मैं लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं, चलिए मैं अभी पोछा लगाने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कुछ भी होने वाला नहीं। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और देखिए, मैं यहाँ पे पोछा लगाने लगी, और मैं फिनाइल जो मैं व्हाइट वाला यूज़ करती हूँ, जो डॉक्टर वाला आता है फिनाइल, उसका स्मेल मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा रही हूँ, इसलिए मैं पोछा लगाने के बाद मिलती हूँ आप लोग से। Thank you.
पोछा वगैरह मेरा लग चुका है, मैंने ब्रश भी कर लिया, तो मेरा उधर का काम कंप्लीट हो चुका है। और मैं यहाँ आ गई हूँ बाथरूम में, किटो का यूनिफॉर्म वगैरह तो मैं इसको भी धो के निकाल देती हूँ, सूख जाएगा क्योंकि बरसात का टाइम है। तो यहाँ पे चलिए और फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेश नहा कर आ चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स चलिए मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। और यहाँ पे इवनिंग टाइम हो रही है तो मैं थोड़ी सी, मुझे भूख लग चुकी थी तो मैं ऑर्डर करके चिली पनीर मंगवाई थी और बहुत टेस्टी था फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी था चिली पनीर। और यहाँ पे जो इसमें पीसेस है, बहुत बड़ा बड़ा पीसेस था, 10 पीस दिया था फुल प्लेट में, और तो बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी, किट्टू को पहले दूंगी, किट्टू खा लेगा, उसको बाद मुझे शाम दिखानी है, तो मैं शाम वगैरह दिखा के आप लोग से मिलती हूँ। अभी के लिए बाय बाय। और हेलो फ्रेंड्स, अभी का जो टाइमिंग है 7 बज रहा है, यानी शाम हो चुका है, और मैं यहाँ पे डिनर का तैयारी कर रही हूँ। तो सबको रोटी सब्जी भुजिया खाते खाते अभी मन उग चुका था, तो मैं यहाँ पे कुछ यूनिक डिश बना रही हूँ। सो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को में बने रहें, और जो मेरे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि आपको आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत अच्छे रहेगा। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ चावल का जो बनता है गुजगुजी, यानी ढकनेसर आप लोग बोलते होंगे, जो बिहार के लोग उनको पता होगा, और कहीं कहीं के लोग को भी बनता होगा, नाम जो होता है अलग अलग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को दिखाती हूँ गुजगुजी कैसे बनता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चावल फुला के रखा था, एक दिन पहले मैंने फूलने के लिए डाल दिया था, तो चावल जो है बहुत अच्छे से फूल चुका है। और इसको मैं एक दो पानी से अच्छे से वाश कर लिया चावल को, कि ताकि जो अंदर का कचड़ा वगैरह गंदा हो तो अच्छे से निकल जाए। और यहाँ मैंने देखिए चावल को पहले पीस लेती हूँ, पेस्ट बना लेती हूँ, और बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, क्योंकि चावल आपका जितने अच्छे से फूलेगा उतने अच्छा से इसका पेस्ट बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं पीसने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। चुके हैं कि यहाँ पे मेरा चावल का जो पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, तो मैं उसका ग्रेवी बनाने का जो सीरा बनता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध मंगवाई है सुधा के। तो मेरे पास ज्यादा चावल ये नहीं था, मुझे थोड़ा सा ही बनानी थी, तो ज्यादा मैं यहाँ पे 1 लीटर ही दूध मंगवाई हूँ। और देखिए बहुत टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था, एकदम खोआ की तरह लावड़ी जैसे होता है, बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे चलिए पहले मैं दूध को गर्म कर लेती हूँ, दूध गर्म करने के बाद उसके बाद मैं इसका सीरा बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स यहाँ ये इस वाला डेक्ची में नहीं होगा, तो यहाँ फ्रेंड्स जो ये जो बड़ा वाला डेक्ची है, तो इसका दूध मैं पलट के किसी और में रख दूंगी। ये जो गाय का नॉर्मल दूध होती है, रेगुलर दूध आती है पीने के लिए, तो वही दूध है, तो उसको मैंने निकाल के किसी और बर्तन में रख दिया। और जो छोटा वाला बर्तन में मैं सुधा का दूध निकाली थी, तो क्योंकि उसमें तो होगा नहीं, तो बड़ा वाला में मैं इसको, और इसके बनाने के लिए बड़ा सा बर्तन होना चाहिए, क्योंकि रोटी जैसा बन के उसमें डालना होता है, तो जितना बड़ा बर्तन रहेगा उतने अच्छे से फूलेगा। तो यहाँ मेरा दूध में बॉयल आ चुका है, और हमेशा मैं चूल्हे को हमेशा साफ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ दूध में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है, और ऊपर को जो सुधा का दूध है, तो छाली वगैरह ऊपर से देखिए कितना अच्छा बन गया। और यहाँ मैं चीनी डाल रही हूँ, और मैं इसमें थोड़ा सा जो मैं चावल का पेस्ट बना के रखी हूँ, और थोड़ा सा मैं गेहूं का आटे भी मिलाई थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया, मैं आप लोग के सूट नहीं की थी उस टाइम, मम्मी मिलाई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध गाढ़ा होने के लिए मैं चावल का आटा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स करके डाली हूँ इसमें, कि ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं हमेशा चला रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं चलाऊंगी हमेशा तो अंदर में चिपक जाएगा। सो देखिए, और यहाँ पे भी जो सीरा है रेडी हो चुका है, तो मैं इसमें रोटी जो बन के मैं इसमें डालूंगी। तो अभी फिलहाल देखिए मैं थोड़ी देर तक इसको और चलाऊंगी।
पेस्ट बना के रखी थी उसको मैंने अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ देखिए मेरा तावा भी गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एकदम पतला सा, ज्यादा पतला नहीं ज्यादा मोटा नहीं बनाना है, तो बस देखिए कलछुल से मैं हल्का सा उसको प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छा। और देखिए अभी से जो होल होता है असली गुजी गुजगुजी का मतलब होता है हल्का हल्का होल होना चाहिए, क्योंकि जो सीरम मैंने बनाई है उसके अंदर आसपास होना चाहिए। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें होल हो चुका है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। बहुत देखिए बहुत अच्छे से ये इसमें होल हो चुका है। और गाइस बहुत टेस्टी बना था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मैं यहाँ पे देखिए सारे जितना भी है मैं बना बना के एक एक करके दूध में डाल रही हूँ, तो और दूध भी पूरा देखिए उतना सारा दूध था, बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। आप लोग देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। तो मैं एक एक बना के जितना भी सारा वैसे मैं बना बना के एक एक करके सारे दूध में डाल दूंगी और थोड़ी देर तक रहने दूंगी, इसलिए क्योंकि वो अच्छे से फूलेगा तभी खाने में मजा आएगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से बन चुका है, और देखिए कितना गाढ़ा आ गया दूध पूरा। तो और फ्रेंड्स क्या होता है कि एक ही चीज़ खाते खाते क्या होता है कि आपको सब्जी अच्छा नहीं लगेगा, रोटी चावल तो सुबह शाम रोज ही खाना है। और तो इसीलिए मैं बीच बीच में क्या करती हूँ कि न्यू रेसिपी बनाते रहती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कितना टेस्टी गुजगुची बना है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और मम्मी के लिए निकाल रही हूँ, और यहाँ पे बना के 2 से 3 घंटा मैंने छोड़ दिया था फूलने के लिए, और बहुत अच्छे से फूल गया है। क्योंकि अगर अच्छे से फूलेगा तभी खाने में मजा आएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ऐसे लगेगा कि कच्चा कच्चा रोटी खा रही हूँ चावल का। तो मेरे अच्छे से बहुत फूल चुका था क्योंकि मैं पहली तैयारी की थी और बना के रखती थी मैं। अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग का खाना है तो प्लीज आइए और आप लोग खाइए और इंजॉय कीजिए। और यहाँ पे मैंने सूखा आलू की भी सब्जी बनाई। सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।